हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में। ऐसे वीडियो को देख के आप अपने कैलकुलेशन को इजी कैसे कर सकते हो, चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। क्या है यहाँ पे 69 × 61, 69 को 61 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, आप किस टाइप के मल्टीप्लीकेशन में, ये रूल हर हर मल्टीप्लीकेशन के लिए। आप सोचेंगे टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, तो इस मैं जो ये ट्रिक बताने वाली हूँ, ये हर मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और 10 डिजिट जो है दहाई मतलब अंक है उसका सेम नंबर होना चाहिए। ओके, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए और 10 डिजिट नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, 9 × 1 = 10 सम हो गया, ये 6 है, यहाँ सेम नंबर है। इस टाइप को मतलब मल्टीप्लीकेशन पर आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 1 = 9 और क्या करना है, जो भी हमको नंबर लिखना है वो टू डिजिट में लिखना है। तो 9 यहाँ पे हम 0, ओके, 9 का हमारा 9 भी हो गया, अब वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ, हमको टू डिजिट में नंबर भी मिल गया। ओके, 6 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 7 आता है, तो 7 6 का क्या आता है, 42 हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर, 4209, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही एक ही ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 8 = 16, ओके, यहाँ 1 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2 आता है, 2 1 = 2 यानी 216, ओके, 3 7 = 21, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 9 आता है, 9 8 = 72, ओके, 9 8 = 72 यानी 7221, ये हमारा आंसर हो गया। 6 4 6 = 24, 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 10 आता है, 10 9 = 90, ओके, 10 9 = क्या होता है, 90 होता है, 9024, 5 5 = 25, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 8 आता है, 8 7 = 56, ओके, यानी 5625, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2352 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टू, ओके, अब इन दोनों नंबर को ऐड करना है, 3 2 5 3 5 8 5 2 7, ओके, यानी हमारे से क्या हो गया, 2587225872, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 4, ओके, 6 5 11 11 की 11 हम ऐसे लिखते हैं, ये 1 ये वाला 1 कैरी हो गया, ओके, 6 3 9 3 1 4 1 4 5, अब कैरी ऐड करेंगे, 4 की 4 5 की 5 9 की 9 4 की 4 5 की 5 4 की 4 9 की 9 1 की 1 5 1 कैरी 6, ओके, क्या गया, 6 1 9 4 5 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, ओके, तो क्या करेंगे, 8 9 17 का 7 कैरी 1, 9 7 16 का 6 कैरी 1, 7 4 11 1 कैरी 1, 6 4 10 की 0 कैरी 1, ओके, अब ऐड करेंगे कैरी, 6 के 6 0 1 1 2 6 1 7 7 1 8 8 1 9 यानी 9 8 7 2 0 6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, ओके, 3 2 5 3 5 8 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही होगा, यानी 2 5 8 5 0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर वीडियो चले तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।